हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे बाजू का बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन, वो भी बिना पेपर पेस्टिंग का। इस डिज़ाइन को मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग करते हैं उसी तरह से आप इस बाजू की कटिंग कर लो। यहाँ पे लंबाई मैं 11 इंच में ली हूँ क्योंकि 10 इंच में मुझे स्लीव तैयार चाहिए। चौड़ाई इसका यहाँ पे 9 इंच है क्योंकि 36 साइज चेस्ट का ये वाला बाजू है। आप जिस साइज का बना रहे हो उसका चौथाई भाग में चौड़ाई ले लो। अब यहाँ से 3.5 इंच डाउन करके हम इसको कट किए हैं। जब भी आप 5 इंच से बड़ा स्लीव कट करो तो उसको 3.5 इंच डाउन करके कट करो, तभी फिटिंग अच्छी आएगी। नीचे से 5.5 इंच तैयार मोहरी है और 1.5 से 2 इंच हम साइड में मार्जिन लिए हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, नॉर्मल बाजू की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए मेन कपड़े में बॉर्डर तैयार दिया हुआ है। अगर आप में नहीं तैयार है तो आप सीधे साइड से रख के सिल के इसको पलटिए या फिर नीचे कमर तुरपाई पट्टी लगा लीजिए। यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या कि 1/2 इंच कपड़ा पहले फोल्ड कर लेंगे किनारे से अस्तर में का, क्योंकि मेन कपड़े में का बॉर्डर हमारा रेडी है। फोल्ड करने के बाद से इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए बीचों बीच में कर लेंगे और बीच में एक लाइन बनाएंगे। सेंटर पर जो लाइन होता है, देखिए आप देख सकते हैं एकदम सीधा लाइन हम बनाए हैं बीचों बीच में। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ से बाजू को लेना है और बाजू सीधे साइड से हम रखे हैं। आप देख सकते हैं बाजू के सीधे साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रख लेना है, यानी अस्तर वाले बाजू को रखना है उसके सीधे साइड। नीचे से आपको बॉर्डर से एकदम बराबर मिला के रख लेना है, या फिर आप पिन भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो बीच की लाइन है ना उससे एक एक चाप के दूरी पर दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है, यानी बीच की जो लाइन है उसको आपको चाप से टच करके सीधे में सिलाई लगाना है। आप चाहें तो अगर आप में पतला बॉर्डर है तो आप नीचे तक सिलाई को ला सकते हैं, लेकिन मेरे में बॉर्डर है वहीं तक मैं कट बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चाप इस साइड भी आ जाएंगे और लाइन के दूसरे साइड भी आपको एक चाप के दूरी पर ही सिलाई लगानी है, यानी दोनों साइड से मिला के आपको 1/2 इंच बीच में गैप करना है। देखिए कि जितना मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाई हूँ। अब क्या करेंगे, बिल्कुल बीच से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोनों साइड एक एक चाप कपड़ा आपका होना चाहिए। अब कोने पर कट लगाएंगे दोनों साइड का जो कॉर्नर है, क्योंकि नीचे के साइड आपको सिलाई चारकोर लगानी है, और अस्तर को बाहर की साइड करके नाखून से प्रेस कर लेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से बीचों बीच से आपको अस्तर वाले पार्ट को उल्टे साइड कर लेना है। और यहाँ से हमारा देखिए अब बाजू सीधा हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिना पेपर पेस्टिंग का बहुत ही इजीली ये वाला कट तैयार हो गया है। और कपड़ा यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट है, अगर आप इसे थोड़ा सा टाइट कपड़े के ऊपर बनाएंगे तो और इजीली बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई हम बड़ी सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि इस सिलाई को हमें बाद में निकाल देना है। दूसरे साइड एकदम कॉर्नर पर पक्की सिलाई लगा लो, दूसरे साइड आपको कॉर्नर पर पक्की सिलाई लगानी है और एक साइड कच्ची सिलाई लगानी है। अब उल्टे साइड करके ना पहले नीचे के साइड का जो बॉर्डर है उसको आपस में अटैच करेंगे, इसीलिए मैं पहले ही फोल्ड कर दी थी अस्तर को कि इसके ऊपर अटैच करेंगे तो नीचे से क्लीन हो जाएगा। अब अस्तर के चारों तरफ आपको सिलाई लगा करके अस्तर वाले पार्ट को मेन कपड़े से ज्वाइंट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद से इसको सीधे करके पहले चेक करेंगे कि कहीं भी कपड़े में फूलन तो नहीं आया है, और फिनिशिंग दिखे तो एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेंगे, क्योंकि कटिंग जो होती है मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर ही करते हैं। मेन कपड़े में का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा है उसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसको सीधा करेंगे और आप देख सकते हैं कट तैयार हो गया है। अब हम 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे और यहाँ पे जिस कपड़े का हम पोटली बनाने जा रहे हैं काफ़ी पतला कपड़ा है, तो अंदर से अगर आप इसके अंदर रुई डालते तो दिखेगा, तो मैं इसी कपड़े का कतरन इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि पोटली हमारा डार्क कलर में बने और मैच करे हमारे बाजू से। अब उस कतरन में एकदम अच्छे से गोलाई देते हुए कपड़े के उल्टे साइड इसको रखना है और चारों तरफ से उंगली से दबाते हुए कपड़े को अच्छे से नीचे से खींच के रखेंगे और ऊपर से गोलाई देंगे। अब यहाँ पे आपको सेम कलर का धागा लेना है, धागा आपका डिसमैच नहीं होना चाहिए, सेम कलर का होना चाहिए, और उसी से 2-3 बार रिपीट करके इसको अच्छे से टक कर लेंगे। तो पोटली हमारा तैयार हो गया है, इसी तरह से पूरे को तैयार कर लिए हैं। अब 1-1 इंच की दूरी पर ना आपको यहाँ से चौक से निशान बना लेना है।
तो देखिए एक इंच में एक सूता और बढ़ा लीजिएगा, एक इंच एक सूता की दूरी पर यहाँ पे हम पोटली को सेट कर रहे हैं, एक इंच और उसके बगल में एक जो छोटा वाला लाइन होता है उसके बराबर आपको लेना है बीच का गैपिंग। ऊपर से भी आपको एक इंच छोड़ देना है, वहाँ से स्टार्ट करना है पोटली लगाना। और ध्यान रहे कि पोटली को आपको अच्छे से उंगली से दबा के रखना है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, थोड़ा सा चाप से यहाँ पे प्रेशर बनने की वजह से पोटली कभी बाहर की साइड निकल जाता है तो कभी खिसक जाता है। तो पोटली को आपको अच्छे से उंगली से दबा के चाप के नीचे रखना है और पोटली का बस गुलाई वाला पार्ट बाहर की साइड दिखे, उसके बाद थोड़ा सा भी इसका जो कपड़ा है नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लास्ट तक हम इसमें सेट कर लिए हैं पोटली पूरे गैपिंग में जहाँ जहाँ मार्किंग किए थे, और इसको अच्छे से कवर कर लेंगे पूरे गैपिंग को। अब यहाँ से धागे को आपको कट कर लेना है, और धागे को कट करने के बाद से देखिए अब ये जो साइड में हम सिलाई लगाए थे ना, इसके पहले जो बड़ी वाली सिलाई लगाए थे एक साइड और एक साइड किनारे पर छोटी वाली थी, जिस साइड आप बड़ी वाली सिलाई लगाए उसी साइड आपको पोटली सेट करना है। और पोटली सेट करने के बाद से उस बड़ी वाली सिलाई को हम निकाल देंगे, क्योंकि इसको उल्टा करके इसके मार्जिन पर एक और सिलाई हमें दबा के चलाना होता है, तो यहाँ पर तीन सिलाई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उस सिलाई को हम निकाल देंगे और यहाँ पर हाफ हाफ इंच के गैपिंग पर दो सिलाई हमारा रह जाएगा। अब जो दूसरी वाली सिलाई है ना, उसके बाद जो भी पोटली का कपड़ा है ना उसको एकदम अच्छे से छांट लेंगे, क्योंकि उल्टे साइड भी फिनिशिंग दिखना चाहिए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को छांटेंगे, और छांटने के बाद से देखिए अब यहाँ से इसके ठीक सामने आपको निशान बना लेना है, और ठीक सामने उल्टा करके निशान बनाएंगे और उल्टे साइड से ना पोटली के साथ ना एक साइड का जो किनारा अलग है उसको सेट करेंगे। तो पोटली के बिल्कुल बीच से सुई को निकालेंगे और यहाँ पे दो पॉइंट इसमें से ले लेंगे और फिर से दूसरे साइड आ जाएंगे सुई से, यानी आपको दो से तीन बार यहाँ पे रिपीट कर लेना है ताकि पहनने के बाद भी ना यहाँ पे खिंचाव आए तो खुले ना, और थोड़ा सा भी बीच में पोटली के बाद गैपिंग ना दिखे। इस तरह से आपको इसको टक करना है। देखिए फिर से आ जाएंगे और यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद से यहाँ से धागे को आप कट भी कर सकते हो, या फिर धागे को आप कंटिन्यू भी चलने दे सकते हो, क्योंकि इसमें से हम आगे वाले पोटली में धागे को ले जा सकते हैं। पर मैं यहाँ से धागे को कट कर दे रही हूँ, फिर इसमें गांठ लगा के दूसरे साइड के पोटली में जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे गांठ लगा देंगे और फिर से आएंगे, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट एकदम लेंगे कपड़ा और पोटली के सेंटर से सुई को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कपड़ा है पोटली के अंदर, इसके वजह से सुई ना थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर से। अब देखिए यानी दोनों साइड से आपको एकदम सीधे सीधे में अच्छे से सेट कर लेना है। तो दो पोटली मैं यहाँ पे सेट करके आपको दिखा दी, बाकी को आपको ना बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे खींचने पे थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं आ रहा है और कपड़े में सिकुड़न भी नहीं आना चाहिए, ज़्यादा आपको खींचना भी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से सेट हुआ है यहाँ पर पोटली। अब दूसरे बाजू को आपको इसी तरह से तैयार कर लेना है, और यहाँ पर इस ब्लाउज का पीछे के पल्ले का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है। अगर आप इस डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो एंड स्क्रीन पर मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बाजू को लेंगे और जो शोल्डर का ज्वाइंट है ना, वो दो दो पॉइंट आपका दोनों साइड गैप होना चाहिए। देखिए इस तरह से जो बाजू का पल्ला आगे की साइड आ रहा है उसमें आधा इंच गहराई देंगे। तो देखिए मैं कहां से गहराई दे रही हूं, ये चीज आपको ध्यान देना है। आगे के पल्ले में आपको ज़रूर गहराई देना है, नहीं तो फिर यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा आर्म होल साइड में आगे के पल्ले में, तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा फिनिशिंग। अब आपको बिल्कुल बीच में यहाँ से रखना है, जो बाजू का कट है ना उसके सेंटर में शोल्डर का ज्वाइंट आना चाहिए। तो पहले एक साइड का ज्वाइंट कर लेंगे फिर दूसरे साइड का करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइंट करते हो तो थोड़ा सा तिरछा जरूर हो जाएगा, तो जब कभी भी आप डिजाइन वाला ब्लाउज बनाओ तो बाजू आप इसी तरह से ज्वाइंट करो शोल्डर से ही।
अब दूसरे साइड आ गए हैं और दूसरे साइड भी अच्छे से कपड़े को मिलाते हुए बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब दूसरे साइड का भी आपको बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। पर देखिए यहाँ पे जो शोल्डर का जो कपड़ा है ना, शोल्डर की साइड ही आपको दबा के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, देखिए इस तरह से, ताकि जो बाजू का कट है ना उसमें से मार्जिन का कपड़ा ना दिखे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई लगा लेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे शोल्डर का जो कपड़ा है, शोल्डर की साइड सेट हो गया है। इसी तरह से दूसरी साइड बाजू ज्वाइंट करेंगे और जैसे नॉर्मल ब्लाउज फिटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसको फिटिंग कर लेंगे। और फिटिंग करने के बाद से ना, पहनने के बाद से इसका लुक आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। और इसके पीछे का पल्ले का डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, तो इसे भी आप ज़रूर देखिए। और आगे आपको क्या देखना है मुझे कमेंट कीजिए।